बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया, लेकिन मध्याह्न भोजन में अब पूर्व की तरह पौष्टिकता नहीं बची है। बच्चों को अब केवल सामान्य चावल, दाल और सब्जी ही खिलाया जाता है। खीर, पूरी, सलाद, पापड़ और अचार तो बीती बात हो चुकी है। ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा कंपू क्षेत्र में अवार्ड पूरे के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा स्कूल में जली हुई रोटियां, कच्चे चावल, पतली दाल दी जाती है। यह सब जानने तक एमकेएन की टीम स्कूल पहुंची तो वहां बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि मध्याह्न भोजन में कड़क रोटियां, पतली दाल और कच्चे चावल दिए जाते हैं। वहीं प्राचार्य ने बताया कि हमने मध्याह्न भोजन के संबंध में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से शिकायत की थी। इसके बाद भी और किसी का ध्यान नहीं गया। अब देखना यह है क्या शासन प्रशासन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या ठेकेदार यूं ही बच्चों की जान से खिलवाड़ करता रहेगा। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन खाना बेटा कैसा लगता है? सर हम कभी कभार खाते हैं और रोटी थोड़ी कड़क आती है और चावल थोड़े मतलब कर्रे से कच्चे आते हैं। अच्छा। और जो सकीना ने बताया वो दाल थोड़ी पतली सी आती है, बस साकुड़ी और खिचड़ी अच्छी लगती है। और कुछ क्यों नहीं खाते सर? हम अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अच्छा सर कच्ची कच्ची रोटी आती है, कच्चे चावल आते हैं और दाल थोड़ी पतली सी आती है। नमक मिर्ची सही रहता है उसमें? सही रहता है सर। तो आप खाते नहीं हो, कैसे पालो आपको? खाते हैं ना सर, कभी कभार खाते हैं सर, टिफिन नहीं लाते तो। आप खाते हैं तो पतला पतला सा आता है और अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता क्या? रोटी कैसी आती है बेटा? पूरी सही आती, लेकिन सब्जी सही नहीं आती। सब्जी और रोटी? रोटी 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 सही नहीं आती। नहीं आती, कच्ची आती है? मिर्ची ना तेज आती है और दाल पतली आती है, इसलिए नहीं खाते हैं। और चावल? और चावल भी कच्चे आते हैं। अब देखो ये मध्याह्न भोजन जो आता है, क्वालिटी मतलब ये है कि मीनू के हिसाब से तो नहीं है, जो मीनू में दिए है क्वालिटी उस हिसाब से थोड़ा उसकी गुणवत्ता कम है। तो बच्चे जो है जैसा आता है वैसा खा लेते हैं। जिस दिन रोटी आती है पाते ही बच्चे उस दिन नहीं खाते, क्योंकि रोटियां जो है जो सेकी जाती है मशीन से वो एक साइड से थोड़ी सी जल सी जाती हैं और कड़क हो जाती हैं। तो बच्चे रोटी जिस दिन आती है उस दिन बच्चे खाना भोजन नहीं करते। और क्वालिटी तो सब देख रहे हैं कि क्वालिटी तो हल्की है। ये तो कौन सा विद्यालय जिसमें आप खाना खिलाते हैं? हाँ ये हमारा जो है अवाड़पुरा विद्यालय है, ये कंपू पे है। तो इस संबंध में सर आपने शिकायत कितनी बार करी? मैंने कई बार शिकायत की है। शिकायत में कभी कभी खाना जैसे खराब हो जाता है, बुझ जाता है, तो मैंने कई बार जो है सुपरवाइजर विष्णु शर्मा जी को बोला, राजपूत जी को बोला।